सार्क गृह मंत्रियों की सातवीं बैठक में मैंने दिनांक 4/8/2016 को भाग लिया। इस बैठक में मुख्य एजेंडा आतंकवाद, नारकोटिक ड्रग्स की तस्करी, साइबर क्राइम एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग थे। लगभग सभी देशों ने आतंकवाद की घोर भर्त्सना की। भारत की ओर से मैंने आतंकवाद पर विशेष बल दिया। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि दक्षिण एशिया में शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा भी आतंकवाद ही है। मैंने इस बुराई को जड़ सहित उखाड़ फेंकने का पक्का संकल्प करने का आह्वान किया। सार्क के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें, न ही पेट्रोनेस दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले, इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।